नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के औली से आ रही है। औली के हसीन वादियों में बिछी बर्फ की चादर, इस वक्त औली पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार दो दिनों से जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश और बर्फबारी हो रही है। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से ये लाइव तस्वीर। पहाड़ों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में ठंड ने दस्तक दी है। गौरतलब है कि इस वक्त औली काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहां पर इस वक्त काफी संख्या में देशी पर्यटक पहुंचे हुए हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार औली में बर्फबारी हो रही है। पर्यटक पहुँचने से स्थानीय लोगों में इस वक्त काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में भी शुरू हो चुकी है बर्फबारी। ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों की मुसीबतें फिर से बढ़ चुकी हैं। स्थानीय लोग अब अलाव का सहारा लेने लग गए हैं। बता दें कि मौसम विभाग की जानकारी उत्तराखंड में सही साबित हो रही है। इस वक्त हालांकि पहाड़ जरूर खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ चुकी हैं। औली से नवीन सिंह के साथ। लोकल लोग तो औली में इस समय बहुत बर्फबारी हो रही है। सो अराउंड 1 फीट के करीब वहाँ पे बर्फ पड़ चुकी है और बाहर से सैलानियों का आना जाना शुरू हो चुका है, जिससे कि यहाँ का लोकल बिजनेस भी थोड़ा बढ़ेगा। बाकी ठीक है, बर्फबारी हो रही है बट औली से नीचे थोड़ा बारिश है, बट औली में कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रहा है, तो ये ठीक है। मतलब औली में जो बर्फबारी हो रही है, ये बहुत खुशी की बात है कि पिछले साल यहाँ पे बर्फ़ नहीं हुई, इस साल बर्फ़ आ रही है। यात्रियों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है कि औली में बर्फ़ आया इस साल। अभी बहुत जल्दी बर्फ़ आ गया, जिससे कि काफ़ी टूरिस्ट खुश है और यहाँ पर लोकल लोग भी काफ़ी से उम्मीद में हैं कि 2 साल से जो कोरोना के चक्कर में यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, काम धाम सब बैठे पड़े थे, इस साल एक उम्मीद लग रही है कि थोड़ा बहुत टूरिस्ट आएगा और यहाँ पर लोगों का रोज़गार बढ़िया चले। यही हमारी बद्री विशाल जी से कामना है और उम्मीद है कि काफ़ी टूरिस्ट आए यहाँ पे और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। जो भी ऐसा लग रहा है कि कोरोना तीसरी लहर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं और लोकल लोग भी इसमें पूरा टूरिस्ट का साथ देते हैं और बहुत बढ़िया उम्मीद है कि इस साल बहुत अच्छा रहेगा टूरिस्ट। औली की हसीन वादियों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। औली इस वक्त काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। औली की बात करें तो औली में इस वक्त काफी संख्या में देसी पर्यटक पहुंचे हुए हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह की खास रिपोर्ट। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइव दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली बरी का नगला फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525 9412265608।